सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी यूट्यूब चैनल को और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं इसी तरह के वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए। किसान भाइयों नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे रिडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर। किसान भाइयों आज के तारीख में इंडिया में मुख्यतः तीन तरह की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। पहली है हब रिडक्शन, दूसरी है प्लेनेटरी गियर रिडक्शन और तीसरी है स्ट्रेट एक्सल, जो कि बहुत ही पुराने समय से यूज होती है। आज के तारीख में एपिसाइक्लिक रिडक्शन यानी कि प्लेनेटरी गियर रिडक्शन बहुत ही बेहतर मानी जा रही है। तो जानते हैं कौन सी ज़्यादा बेहतर है और कौन से काम के लिए कौन सी रिडक्शन टेक्नोलॉजी हमें खरीदना चाहिए, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों इन तीनों ही टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन करने से पहले हम ये जानते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ में कमी। जब भी किसी चीज़ में कमी होती है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लिया जाए, अगर आप ट्रैक्टर पहले गियर में चलाते हैं तो वहाँ पर आपको स्पीड यानी कि गति में कमी मिलेगी, लेकिन पावर यानी कि टॉर्क में बढ़ोतरी मिलेगी, तो इसे हम रिडक्शन कहते हैं। अगर हम चौथे गियर में ट्रैक्टर को चलाते हैं तो वहाँ पर हमें स्पीड तो अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन टॉर्क यानी कि पावर में कमी यानी कि रिडक्शन देखने को मिलता है, तो इसे हम रिडक्शन यानी कि कमी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रिडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है हमारे ट्रैक्टर्स में। किसान भाइयों जब भी हम ट्रैक्टर चलाते हैं, आपका जो इंजन है वो पावर भेजता है आपके गियर बॉक्स में। आपका जो गियर बॉक्स है वो कनेक्टेड रहता है एक रोड से, जिसे कि हम पिनियन कहते हैं। किसान भाइयों यह पिनियन कनेक्टेड होती है एक क्राउन से। क्राउन यानी कि एक गियर का नाम होता है जो कि कनेक्टेड रहता है। जब भी आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो आपकी पिनियन घूमती है और आपके क्राउन तक पावर पहुंचाती है, और क्राउन से पावर जाती है एक शॉफ्ट के थ्रू आपके पहियों यानी कि टायर्स तक, जिससे कि आपका ट्रैक्टर चल पाता है। तो यह जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही पुरानी हो गई है, इसे हम स्ट्रेट एक्सल कहते हैं। अब बात करेंगे क्या नुकसान है हमें स्ट्रेट एक्सल के और क्या फायदे। किसान भाइयों सबसे पहला फायदा स्ट्रेट एक्सल का यह होता है कि इसका जो मैकेनिकल लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि जो भी पावर आपके इंजन से आती है वो आपके पहियों तक केवल एक बार रिडक्शन होकर पहुंच जाती है, जिससे कि आपके पहियों में अच्छी पावर मिलती है। लेकिन आप इसको अगर भारी उपकरण या फिर भारी ट्रॉली के साथ चलाते हैं तो आपके क्राउन और पिनियन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो भी झटका यानी कि जर्क आपके पहियों में लगेगा वो सीधा आपके क्राउन और पिनियन पर जाता है, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आप छोटे उपकरण चलाना चाहते हैं या फिर छोटी ट्रॉली तो आप इसे खरीद सकते हैं। किसान भाइयों ये थे इसके फायदे और नुकसान। अब बात करते हैं हब रिडक्शन टेक्नोलॉजी की और क्या होता है ये और क्या है इसके फायदे और नुकसान। किसान भाइयों हब रिडक्शन को व्हील हब रिडक्शन कहा जाता है, क्योंकि यह व्हील के हब में लगा होता है, इसलिए इसे व्हील हब रिडक्शन कहा जाता है। किसान भाइयों जैसे कि हमने पहले देखा कि आपके स्ट्रेट एक्सल में क्राउन और पिनियन होती है और वहां से पावर सीधे टायर्स में आती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव है। आपके क्राउन और पिनियन तक पावर आने के बाद वो एक शाफ्ट के थ्रू दो गियर्स में जाती है, जिसे कहते हैं हब रिडक्शन। किसान भाइयों इन दो गियर्स का नाम है, पहले गियर का नाम है जो कि बड़ा होता है उसे हम बुल गियर कहते हैं, और दूसरा गियर है पिनियन गियर। आपकी जो पावर आती है अंदर से उसे पिनियन गियर के थ्रू बुल गियर में ट्रांसफर किया जाता है। जब आपका बुल गियर घूमता है तो उसके साथ साथ एक रोड कनेक्ट होती है जो कि आपके पहिए यानी कि टायर्स में लगी होती है, और इसके साथ साथ आपके पहिए भी घूमते हैं, यानी कि जो भी पावर आती है इंजन से वो दो बार रिड्यूस होती है, पहला तो क्राउन और पिनियन में और दूसरा होती है ट्रैक्टर के टायर हब में, जिसे हम हब रिडक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें क्या फायदे होते हैं हब रिडक्शन के, तो इसके सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपके हब रिडक्शन होने की वजह से ट्रैक्टर की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, जिससे ट्रैक्टर फ्रंट यानी कि सामने से उठता नहीं। जब भी आप भारी ट्रॉली या फिर कोई भी ऐसा उपकरण जो कि ज़्यादा वजन में भारी हो, तो आपको ट्रैक्टर में सामने से उठने की जो समस्या है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है और हिचिंग पॉइंट पीछे हो जाता है। किसान भाइयों आपको जो हब रिडक्शन है अगर आप होलेज के काम करते हैं तो आपको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि होलेज के काम के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है हब रिडक्शन। किसान भाइयों जैसे कि हमने देखा कि आपके स्ट्रेट एक्सल में सीधा झटका लगता है आपके क्राउन और पिनियन को,
लेकिन हब रिडक्शन में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो भी आपके पहियों को लगता है वो सीधा आपके क्राउन और पिनियन तक नहीं जाता, पहले वह हब रिडक्शन के अंदर लगता है और उसके बाद क्राउन एंड पिनियन तक, यानी कि 50% झटका ही जा पाता है आपके क्राउन और पिनियन तक, जिससे कि आपके क्राउन और पिनियन की सुरक्षा होती है, यानी कि उनमें टूट फूट होने की समस्या या फिर दिक्कत बहुत ही कम देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं नंबर वन ट्रैक्टर रिडक्शन टेक्नोलॉजी की। इसका नाम है ईपी साइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी। किसान भाइयों, ईपी साइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। किसान भाइयों, इसके अंदर मुख्यतः चार गियर लगे होते हैं। आपको इसके अंदर सन गियर मिलता है, दूसरा है रिंग गियर, तीसरा है प्लेनेटरी गियर और चौथा है प्लेनेटरी कैरियर गियर। किसान भाई, जब भी पावर आती है तो सबसे पहले आती है सन गियर में। सन गियर उस पावर को ट्रांसफर कर देता है प्लेनेटरी गियर्स में, और जो ये प्लेनेटरी गियर्स होते हैं वो आसपास से जकड़े हुए होते हैं एक रिंग गियर के थ्रू, जिससे कि आपका जब सन गियर घूमता है तो प्लेनेटरी गियर्स भी आसपास घूमने लगते हैं। इन प्लेनेटरी गियर्स में एक कैरियर कनेक्ट होता है जिसे हम प्लेनेटरी कैरियर कहते हैं, जो कि तीनों की पावर को एक रोड में ट्रांसफर कर देता है और ये रोड आपके पहिए तक पहुंचती है और आपके पहिए में पावर पहुंच पाती है। किसान भाइयों, इसके अंदर सबसे पहले क्राउन एंड पिनियन तक पावर आती है, उसके बाद में वो ट्रांसफर हो जाती है सन गियर में, और सन गियर से ये पावर तीन हिस्से में बढ़ जाती है जिसे हम प्लेनेटरी गियर्स कहते हैं, और इन तीनों गियर्स में आने के बाद पावर वापस इकट्ठा होती है और जाती है प्लेनेटरी कैरियर में, और प्लेनेटरी कैरियर से जाती है आपके टायर तक। किसान भाइयों, सबसे बड़ा फायदा इस ईपी साइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी का है कि यह बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती है। इसके अंदर आप जब भी बड़े उपकरण या फिर भारी ट्रॉली या फिर कमर्शियल काम जैसे कि लोडर या डोजर चलाते हैं तो आपके जो पहिए में झटका या जर्क लगता है वो सीधा क्राउन एंड पिनियन तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि इसके अंदर तीन गियर्स लगे होते हैं तो वो तीन हिस्से में बढ़ जाता है, जिसे हम 33% रिडक्शन कहते हैं, यानी कि आपका जो झटका आता है वो सीधा आपके क्राउन और पिनियन तक नहीं पहुंच पाता, वो केवल 33% ही पहुंच पाता है, तो इसका रिडक्शन हो जाता है। किसान भाइयों, यह टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतर मानी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर जो रिडक्शन है वो 33% तक किया जा सकता है। किसान भाइयों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और किसान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।